चेहरे की झुर्रियों और काले दाग के लिए जादू है दूध, इस तरह करें इस्तेमाल। प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारी त्वचा के लिए खतरनाक है। प्रदूषण के साथ साथ बदलते लाइफ स्टाइल, गलत खान पान की आदतें और तनाव की वजह से लोग उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। चेहरे की रंगत छीनने के अलावा त्वचा पर समय से पहले ही चेहरे की रंगत चली जाती है और झुर्रियां आने लगती हैं। ऐसे में बड़े ब्रांड्स के सौंदर्य उत्पाद जैसे सीरम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि अक्सर यही देखा गया है कि रोजाना इस्तेमाल किए गए घरेलू नुस्खे आपकी समस्या को दूर कर देते हैं, तो अपनी त्वचा को एजिंग से बचाने के लिए इस तरह इस्तेमाल करें दूध। दूध चेहरे पर मौजूद डेड स्किन सेल्स को हटाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए आप एक चम्मच दूध से चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करें और फिर गीली रुई से पोंछ दें। फिर देखें कैसे चेहरे साफ और चमकने लगेगा। मिल्क पाउडर भी त्वचा के लिए बेहद अच्छा होता है। इसे चेहरे पर लगाने से न सिर्फ आपको निखरी त्वचा मिलेगी बल्कि चेहरे पर ग्लो भी आता है। चेहरे की रंगत निखारने के लिए एक चम्मच मिल्क पाउडर, एक चम्मच ओटमील पाउडर और दो चम्मच संतरे के जूस या नींबू के रुपए को एक साथ मिलाएं। मिश्रण को चेहरे पर लगाएं, 15 से 20 मिनट पैक को लगे रहने दें और फिर हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें। सप्ताह में इस पैक को दो बार लगाएं। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को बेहतर बनाने का काम करता है। त्वचा में मौजूद नए कोलाजन को उत्पादन में मदद करता है दूध, जिससे आपकी त्वचा टाइट और मुलायम हो जाती है। कच्चे दूध को फेस पैक के तौर पर चेहरे पर लगाने से ज्यादा फर्क आता है। चेहरे पर से काले धब्बे हटाने में भी मिल्क पाउडर मदद करता है। दो चम्मच मिल्क पाउडर के साथ एक चम्मच दही और नींबू का रुपया मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर ऊपर से नीचे की ओर लगाएं। जब पैक सूख जाए तो मसाज करते हुए धुल लें।